हेलो फ्रेंड्स, बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर बता रही हूँ मैं आपको। प्रसार शिक्षा टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बस हेडिंग वीडियो में हमारी न्यू हेडिंग रहेगी, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक फैक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, अनुवांशिक। तो मानव के मानसिक एवं शारीरिक गुण गर्भधारण के समय जीन गुणसूत्र के द्वारा तय किए जाते हैं। जीन गुणसूत्र अनुवांशिक की इकाई है। प्रत्येक अनुवांशिक गुण जैसे ऊंचाई, त्वचा का रंग, चेहरा, रक्त समूह ब्लड ग्रुप इत्यादि माता पिता के गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जीन मानवीय कोशिकाओं में गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं। सामान्य मानवीय कोशिका में 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम होते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक कोशिका में कुल 1 लाख के लगभग जीन होते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अनुवंशिकी असामान्यता के कारण होती हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, खंड तालू, क्लेफ्ट प्लेट, मिर्गी इत्यादि, जो कि खामीयुक्त जीनी संरचना के कारण होती है। सेकेंड हेडिंग रहेगी भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो मनुष्य के स्वास्थ्य की कुंजी उसके वातावरण में रहती है। भौतिक वातावरण मनुष्य के बाहरी वातावरण का वह भाग है जो जीवित से जीवन से रहित है, जैसे जल, वायु, मकान, मिट्टी इत्यादि। भौतिक वातावरण जितना साफ सुथरा होगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अत्यधिक शोर, विकिरण रेडिएशन के खतरे इत्यादि मानव स्वास्थ्य में बाधक होते हैं। इन बाधक तत्वों से मानव जीवन के गुणों में कमी आ जाती है। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग रहेगी जैविक वातावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मनुष्य के बाहरी वातावरण का यह जीवित अंश है। इसमें पशु, पौधे, कीड़े मकोड़े, जीवाणु तथा विषाणु, जिनके संपर्क में मनुष्य निरंतर रहता है, सम्मिलित है। मनुष्य का स्वास्थ्य उपरोक्त जीवों के साथ सह अस्तित्व के आधार पर स्थित होता है, और जब यह नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है तब मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। फोर्थ नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सामाजिक वातावरण, सोशियल इन्वायरमेंट। तो मानव अपने सामाजिक वातावरण में रहता है और समाज के रीति रिवाज, आदतें, धर्म तथा रहन सहन के नियमों का पालन करता है। मनुष्य का सामाजिक वातावरण से असमंजस का परिणाम स्वास्थ्य में खराबी होता है। इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं औषधि सेवन की आदतें, शराब पीने की आदतें, अपराध
हिंसा, चोरी, जुआ खेलना, आत्महत्या, तलाक, रक्तचाप का बढ़ना इत्यादि। मनुष्य ने भौतिक तथा जैविक वातावरण को नियंत्रित कर लिया है, वह सामाजिक वातावरण को नियंत्रित करने में बिल्कुल सफल नहीं हुआ। अतः यह सत्य है कि एक स्वस्थ वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी में समाज का कल्याण है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो आज के युग में मनोविज्ञान का बहुत महत्व है तथा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वाली कहावत सही बैठती है। शिशु के मानसिक विकास में प्रेम, अपनत्व, स्वतंत्रता, उपलब्धि, प्रशंसा, मान्यता, भोजन, स्नान, कपड़ा, आराम, मनोरंजन, नींद, व्यायाम, खेलकूद भी, ये सभी की आवश्यकता है। घरेलू वातावरण भी बच्चे के विकास में सहायक बाधक हो सकता है। एक अन्वेषण में पाया गया कि एक बालक विद्यालय की प्रयोगशाला की खिड़की के शीशों पर पत्थर फेंकता है, समझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैज्ञानिक ने सोचा कि बालक अकारण अपराध क्यों करता है। साहित्य पढ़ने पर एवं अन्वेषण करने पर पाया गया कि बाल अपराध दोषपूर्ण व्यक्तित्व विकास का परिणाम है, जो निम्न आर्थिक स्तर के परिवारों में वयस्क अपराधों की संख्या अधिक होने के कारण है। अतः वयस्क अपराधों के कारण बालक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व का विकास दोषपूर्ण ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक बड़ों की तथा माता-पिता की नकल करता है। उसके मस्तिष्क में यह रहता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पोषक कारक, न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो पोषण और स्वास्थ्य का चोली दामन का साथ है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। पोषण आहार का एक बुनियादी अंग है। आहार के मुख्य कार्य हैं शरीर में ऊर्जा का प्रबंध करना, शरीर का गठन और उसका सुधार करना, ऊतकों के कार्यों को बनाए रखना और नियंत्रण करना, शरीर की सुरक्षा करना। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि साधारण वृद्धि और विकास के लिए अच्छे पोषक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता है। संक्षेप में, पोषण जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कुपोषण से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। नेक्स्ट रहेगी रहन सहन की विधियां या स्तर, लिविंग स्टेटस। व्यक्ति के रहन सहन की विधि का स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। स्वास्थ्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता। यह अधिकतर रहन सहन की विधियों, व्यक्तिगत स्वच्छता के स्तरों, लोगों की शिक्षा तथा उनके जीवन यापन के ढंगों पर आधारित है। लोगों को स्वयं अपने स्वास्थ्य का
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, स्वस्थ आदतें डालनी चाहिए, समय पर बच्चों व माताओं को टीका लगवाने चाहिए, धूम्रपान कम करके कैंसर तथा हृदय रोगों को कम किया जा सकता है। संक्षेप में, लोगों के रहन सहन की विधियों में सुधार करके हम उनके स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक स्टेटस। यह कहावत है कि गरीबी अभिशाप है। गरीबी और रुग्णता एक दूसरे के पराये हैं। विकसित देशों के लोग अविकसित देशों के लोगों से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि उनका आर्थिक स्तर उच्च होता है। आर्थिक स्तर क्रय शक्ति तथा रहन सहन के स्तर से निश्चित होता है। न्यूनतम आय वाले देशों में उच्चतम रुग्णता दर पाई जाती है। किसी देश के आर्थिक स्तर के सूचकांकों में से औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय एक प्रकार का सूचकांक है। भारत अभी गरीबी देशों की सूची में है, इसलिए यह बात सत्य है कि आर्थिक स्तर स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्णायक अंग है। लास्ट हेडिंग रहेगी इसकी, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, स्टेटस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर स्वास्थ्य की प्रगति का द्योतक है, मापदंड है। भारत में पहले स्वास्थ्य सेवाएं असीमित तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव रहित नहीं थी। आज स्थिति अच्छी है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जाल सा बिछा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को देखभाल को लागू कर दिया है, जिसका प्रशासनिक ढांचा नई दिल्ली से लेकर 1000 की संख्या वाले गांव तक बना हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दी जा रही हैं, जिनमें चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ परिचारिकाएं, स्वास्थ्य सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण स्वास्थ्य दर्शिका एवं प्रशिक्षित दाइयां कार्य करती हैं। अतः व्यक्ति के विकास में, जो व्यक्ति का विकास है, उसके विकास में स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण योगदान भी होता है। तो ये जो हमारी हेडिंग चल रही थी, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग हमारी यही क्लोज होती है।